नमस्कार, मैं हूं अनंत कुमार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं इस वक्त हूं गोमिया स्टेशन पर और स्टेशन में संयुक्त मोर्चा की तरफ से यहां ट्रेन रोका गया था, जिसमें यहां के पुलिस ने गिरफ्तार इन लोगों को कर लिया गया था। मेरे साथ हैं संयुक्त मोर्चा के नेता श्याम सुंदर मेहता जी, आइए हम इनसे जानते हैं क्या कहेंगे नेता जी। आज जो है पूरे सुबह से ही हमारे संयुक्त मोर्चा के तमाम नेता गोमिया प्रखंड के माने जो है बंद के सफल करने के लिए वाहन दुकान बैंकिंग LIC तमाम प्रखंड वगैरह सारे चीज़ों को बंद कराते हुए हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो जो है स्टेशन में जो है 12 बजे आए और जो है 15 मिनट तक बैठे और पुलिस आकर के उनको जो है जबरन गिरफ्तार किया। यही है हमारे साथ राजद के नेता है अरुण यादव जी, आइए अरुण यादव जी से जानते हैं। यादव जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमारा देश कृषि प्रधान देश है और किसानों पर बिना सांसद और राज्यसभा में बहस किए 3 कृषि काला कानून को लाया गया। 10 महीना से किसान जो है आंदोलनरत है और मोदी सरकार कान में तेल डालकर सोई हुई है। तो हमारे नेता दिल्ली से लालू प्रसाद यादव ने आह्वान किया कि गरीबों पर जो अत्याचार होगा तो राष्ट्रीय जनता दल चुप रहने वाला नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा के अगुवाई में जो आंदोलन हुआ उसमें राष्ट्रीय जनता दल के सैकड़ों कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता पूरे जिला में और गोमिया में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सहयोग दिया और CPM CPI RJD कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथियों ने भी हमारा सहयोग किया। उस आंदोलन के दरमियान हम लोग आकर के रेलवे गोमिया रेलवे स्टेशन पर हम लोगों ने रेल रोक को बाधित करने का काम किया। इस दरमियान रेलवे के सिपाही पुलिस हम लोगों को गिरफ्तार किए और गिरफ्तार कर हम लोगों को करीब 1 घंटा तक बैठाए। उसके बाद हम लोग को जमानत पर रिहा कर दिया। उसके बाद हम लोग आपके पास हैं। हमारे साथ हैं CPM के प्रखंड सचिव राकेश कुमार जी, आइए राकेश कुमार जी से जानते हैं कि आज के आंदोलन के बारे में इनका क्या कहना है। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आज का भारत बंद अभूतपूर्व सफल रहा। पूरे गोमिया में भारत बंद अभूतपूर्व रहा। पूरा बाजार बंद था, गोमिया का बैंकिंग सेक्टर बीमा क्षेत्र बंद था, रेल को हम लोगों ने गोमिया स्टेशन में रोका और इस तरह से गोमिया की जनता ने जो इस बंद को सफल करने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है, हम लोग संयुक्त मोर्चा की ओर से गोमिया की जनता को बधाई देते हैं। पूरे भारत में जो मैसेज मिल रहा है मोदी सरकार के खिलाफ लोग सड़क पर उतर चुके हैं, यह एक अच्छा संकेत है। भविष्य में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ हम संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में अपने आंदोलन और अभियान को तेज करेंगे। धन्यवाद। आप सुन रहे थे अभी यहाँ नेताओं से और ये गोमिया का रेलवे स्टेशन है जो काफ़ी अरसे बाद यहाँ ट्रेन को रोका गया था और इनका कहना है कि पूरे गोमिया प्रखंड में जिस तरह का यह बंद हुआ है यह ऐतिहासिक बंद है। आप देख रहे थे लाइव लगातार, मैं हूं अनंत कुमार बेरमुश। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।